सत्यन ओलख उर्फ पिंकी को मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक मैसेज किया और मैंने उससे कहा कि भाई यूट्यूब के ऊपर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब के ऊपर व्लॉग वीडियोस बनाता हूँ, तो काइंडली आप मेरी कुछ हेल्प कर दें, आपने अपनी वीडियोस के अंदर बताया था। तो उस कमेंट का जो उस मैसेज का जो जवाब दिया है सत्यन ओलख साहब ने, वो आप सुनकर यकीनन हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की नेमतें और बरकतें समेटने में मसरूफ़ होंगे। जहां भी हैं अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे और अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र नसीब करें। मैं हूं चौधरी रिजवान और आप देख रहे हैं CHR TV यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सोच के बाद मैं बना रहा हूँ। पहले तो मेरा प्रोग्राम था कि यार रहने देते हैं, ये वीडियो नहीं बनाते। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये किसी मशहूर बंदे की आड़ लेकर ये वीडियो बना रहा है और ये ख़ुद फेमस होना चाहता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इस बंदे की असलियत जो है ना, वो लोगों के सामने लाजमी आनी चाहिए। अगर मेरी वजह से आती है, मेरी वजह से लोगों को समझ लग जाती है इस बंदे की, तो ये मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। तो मेरे साथ इसने क्या किया है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सत्यन ओलख उर्फ पिंकी, ये वो बंदा है कि जो जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है, जिसकी वीडियोस देखकर मैं इंस्पायर हुआ हूँ, मैंने यूट्यूब के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो इस बंदे को ने ये काम किया है कि ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करता है, 3 ऑलरेडी इसके चैनल्स हैं, और ये कहता है जी कि मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं, छोटे यूट्यूबर हैं, उनको मैं प्रमोट करूँगा, उनकी वीडियोज़ को मैं आगे ले कर आऊँगा, जो भी टैलेंटेड बंदे हैं मैं उनको इनाम प्रमोट करूँगा, और मुझे आप स्नैक वीडियोस के ऊपर फॉलो करें, वहाँ से जो इनकम आएगी, यूट्यूब की जो इनकम आती है, मैं माँ प्रोग्राम चला रहा हूँ, मैं जनाब जो गरीब बंदे हैं, जो गरीब माएँ हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मैं मदद करता हूँ। और मेरे ख्याल से तो ये तमाम जो है ना, ये टोपी ड्रामा चला रहा है। अगर इतना टैलेंट हो बंदे के पास, इतना बंदा फेमस हो, तो वो बंदा ऑलरेडी पैसे कमा सकता है। और लोगों को बताने की, अगर तुम लोगों की हेल्प करते हो तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती। जो बंदा हेल्प करता है वो छुप छुपा के करता है और अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा को उसको उसका पता होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये ढंग इस्तेमाल करना कि मैं फलां काम करता हूँ, फलां काम करता हूँ, ख़ुद को जनाब बड़ा ऊंचा दिखाना लोगों के सामने, तो ये तो मेरे ख्याल से एक गलत बात है। ठीक है, अगर बंदा ये अच्छा काम कोई भी करता है ना, तो वो अपनी ज़ात में और अल्लाह ताला की ज़ात में उसको राज रखना चाहिए, ताकि कोई बंदा भी जो मुस्तहिक हो वो एक्सपोज ना हो। तो ये बंदा जनाब, इस बंदे ने अपने यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और टिकटॉक के ऊपर जो भी इसकी यूट्यूब की कम्युनिटी थी एक चैनल की, ये टिकटॉक के ऊपर भी लेके आया, स्नैक वीडियोस के ऊपर लेके आया, लाइकी ऐप के ऊपर लेके आया, और पता नहीं क्या क्या जो भी है, हमें मुझे इससे गरज वास्ता नहीं है। जो भी करता है ये उसकी अपनी ज़ात तक है। मेरे साथ इसने क्या काम किया है जी, कि YouTube की इसकी वीडियोस रेगुलर मैं देखता हूँ। ठीक है, रेगुलर जितनी भी वीडियो ये बनाता है, डेली इस वीडियो उसके ऊपर मैंने इसके चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है, तीनों चैनल्स, और मैं इसकी वीडियोस देखता हूँ। एक वीडियो में तकरीबन हर वीडियो में यही कहता है कि यार मैं इसका जो यूट्यूबर हैं, छोटे यूट्यूबर हैं, उनको प्रमोट करता हूँ और उनको इन काम के लिए जनाब मैं प्रमोट करता हूँ, ताकि वो पैसे कमाएँ और अपना जो घर का गुजर बसर है वो अच्छा कर सकें। तो मैंने इसकी वीडियोस देखी, मैंने कहा यार कि ये बंदा जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, बड़ी अच्छा काम कर रहा है और लोगों की हेल्प भी कर रहा है, तो क्यों ना इसे बात की जाए। इंस्टाग्राम का जो लिंक था इसने दिया हुआ था, इसने बताया हुआ था कि फ़लाँ नाम लिखा हुआ है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहाँ पर मुझे फॉलो करें और मुझसे मैसेज करें, आपका जो भी मसला होगा मैं हल करूँगा। अभी मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर इसके मैं गया हूँ, वहाँ पर मैंने मैसेज किया है इसको, ये बताया है, ये आज से तकरीबन कोई 20-25 दिन की बात है, मैंने इसके ऊपर बहुत गौर किया है कि यार इसके बारे में वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। फिर मैंने कहा यार बनाता हूँ, ताकि लोगों को पता चले इसकी असलियत कि ये क्या चीज़ है, ये लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, और मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर इसको मैसेज किया कि यार सत्यन भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी वीडियोज़ देखता हूँ रेगुलर, तो आप ऐसा करें कि यार मेरे चैनल को CHR TV को आप प्रमोट कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो पहले तो तकरीबन 6-7 दिन जो ना इसका, उसने मेरा कमेंट देखा ही नहीं, मेरा कमेंट का जवाब क्या देना था उसने पढ़ा ही नहीं मेरा कमेंट।
तो उसके बाद तकरीबन 6-7 दिन गुजरने के बाद उसने मेरे कमेंट को अलाउ किया उसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और मेरे कमेंट का जवाब उसने क्या दिया, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा आदमी, इतना मशहूर बंदा, एक मेरे जैसे बंदे को जवाब क्या दे रहा है। उसने जो छोटी छोटी इमोजीज होती हैं ना, कार्टूनों वाली और हंसने वाले कार्टूनों वाली, वो लगा के इंस्टाग्राम के ऊपर वो तकरीबन 5 से 6 इमोजीज लगा कर मुझे उसने वो कमेंट किया है। मैं तो पहले देखता रहा, हैरान हो गया कि यार ये इसने क्या किया है, ये शायद किसी की फेक आईडी है या क्या चीज़ है। तो फिर मैंने दोबारा यूट्यूब के ऊपर देखा कि मैंने वीडियो चेक की, मैंने कहा कि यार ये नहीं हो सकता कि सत्यन जो जैसा बंदा जो है वो ऐसा कमेंट करे, ऐसे मैसेज का जवाब इस तरीके से दे। मैं बहुत हैरान और परेशान हुआ। फिर मैंने चेक किया, कंफर्मेशन की, और कंफर्मेशन करने के बाद भी मैंने चेक किया कि वो आईडी सत्यन ओलक की थी, ओलक सत्यन के नाम से वो आईडी बनी हुई है। और यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। और मैंने ये अपने दिल के साथ वादा किया है कि आइंदा के बाद कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी बड़ा बंदा है, उसको ना उससे मैं कोई हेल्प मांगूंगा और ना ही मैं उसको अपना चैनल प्रमोट करने के लिए कहूंगा। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ये बंदा ऐसा काम कर सकता है तो हम किसी से क्या उम्मीद रखते हैं। और बाकी जो छोटे यूट्यूबर हैं मेरी तरह, उनके ऊपर क्या इम्प्रेशन जाएगा इस चीज़ का। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।